الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم آج शाबान की 12 तारीख है, कल शनिवार को 13 और रविवार को परसों 14 तारीख है शाबान की हमारे और आपके मुल्क में। 14 तारीख गुजरने के बाद जो रात आएगी यानी रविवार और सोमवार के बीच में जो रात होगी वो शाबान की 15वीं रात होगी, जिसको अरबी में लैलतुल बरात और उर्दू में शबे बरात कहा जाता है। हम और आप भी इसको शबे बरात ही बोलते हैं। जो लोग खास करके गल्फ कंट्री में सऊदी दुबई कतर वगैरह में रहकर आए हैं वो लोग शबे बरात को बिल्कुल नहीं मानते आम तौर पे, क्योंकि वहाँ के लोग शबे बरात को मानते ही नहीं। हमारे और आपके मुल्क में पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर हमारे और आपके समाज में शबे बरात की कदर की जाती है और शबे बरात को मुबारक रात माना जाता है। सही बात यह है कि 15 से ज्यादा सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने शबे बरात की फजीलत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। रिवायत और हदीस अगरचे कमज़ोर है और ज़ईफ़ है, लेकिन जब एक टॉपिक और एक मज़मून की रिवायत कई एक तरीके से आए, कई एक सहाबे किराम एक टॉपिक के बारे में हदीस को बयान करें, चाहे वो हदीस कमज़ोर हो ज़ईफ़ हो, लेकिन जब उसका साथी मिल जाता है तो साथी मिलकर वो रिवायत मजबूत हो जाती है, पक्की हो जाती है। इसलिए हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम खास तौर पे दारुल देवबंद मदारिस साहब पूर नदवतुल उलमा लखनऊ, इन इदारों से ताल्लुक रखने वाले और इनसे पहले के जो बुजुर्गान दीन हैं वो भी शबे बरात की फजीलत को मानते हैं और शबे बरात को इबादत की रात समझते हैं। हदीस में मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ रिवायतें मुख्तलिफ अहादीस मनकूल है। ख़ास तौर पे एक रिवायत जिसको शबे बरात की फजीलत में बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि शाबान की 15वीं रात थी और उस रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी
मेरे कमरे में आराम करने की थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां थी और हर हर बीवी की बारी मुतय्यन और फिक्स होती थी, एक रात इस बीवी के घर में, एक रात उस बीवी के घर में, एक रात और एक बीवी के घर में। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि शाबान की 15वीं तारीख की रात थी, मेरे रूम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम करने की बारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में आए, आने के बाद अब सोने के लिए, आराम करने के लिए अपने कपड़े को चेंज करना आरंभ किया। अभी पूरा कपड़ा चेंज नहीं किया था कि फिर दोबारा वही सारे कपड़े आपने पहन लिए और कुछ बताए बगैर कमरे से निकलकर आप चले गए। आपने नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूं, बस बगैर बताए आप कमरे से निकलकर चले गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी थी, सहाबिया थी, बहुत बड़ी आलिमा थी, लेकिन बहरहाल वो भी एक औरत थी। औरत के अरमान जो दिल में होते हैं, अपने शौहर को देखकर जो एक खुशी होती है, उनको भी वो खुशी और वो अरमान उनके दिल में होता था। जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर बताए कमरे से चले गए, तो वो भी पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकली कि देखें कहीं दूसरी बीवी के घर में तो नहीं चले गए, कहीं उससे नाराज तो नहीं है। जब तलाश करते करते वो बाहर निकली तो देखा कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब में जन्नतुल बकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए हैं और वहां मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं, रहमत की, बख्शिश की, मगफिरत की तमाम ईमान वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अंदर से बड़ी शर्म महसूस की उन्होंने और वो लौट कर तेज कदम से, थोड़ा जल्दी से लौट कर अपने कमरे में आई। औरत थी, तेज चलने की वजह से सांस भूलने लगी, जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहा, आयशा तुम इतना तेज और जोर जोर से क्यों सांस ले रही हो, क्या तुम कहीं चली गई थी, तुमको हैरानी हुई, तुम थक गई, क्या हुआ? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूरा घटना बतलाया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको तलाश करने के लिए निकली थी, फिर मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में हैं, मैं वहां से तेज चलकर अपने कमरे में आई, इसलिए मेरी सांस फूल रही है, दम फूल रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हुकूम के साथ खयानत करूंगी? असल में बात यह है कि आज शाबान की 15वीं रात है और आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला इतने ही ईमान वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में जगह देते हैं जितना के कबीले बनू कल्ब या बनू केलाब के बकरियों के बदन पर बाल है। बकरी के बदन पर, खस्ती के बदन पर लाखों करोड़ों की तादाद में बाल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ये फरमाया कि 15वीं शाबान की रात को रहमत की रात होती है, अल्लाह ताला उस रात में अपने बंदों को कसीर तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में अपने बंदों को जहन्नम से खुलासी और नजात अता फरमा कर जन्नत में अल्लाह ठिकाना देता है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आयशा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपने रब की इबादत करूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि बिल्कुल आप अल्लाह की इबादत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी लंबी नमाज पढ़ी, रुकू में गए तो लंबा रुकू, सजदे में गए तो लंबा सजदा। माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरे दिल में ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सजदे की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई।
इतना लंबा सजदा किया, तो मैंने अपने हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर को, आपके शरीर को छूया, आपके शरीर में हरकत हुई, तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे तो मैंने ये सुना कि आप दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा, नहीं अल्लाहुम्मा नहीं, आऊज़ु बिअब्दिका मिन इक़ाबिक व आऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिक व आऊज़ु बिका मिनका जल्ला वजहु ला उहसी थनाअन अलैक अंत कमा अस्नैता अला नफ्सिक। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में कर रहे हैं, लंबी नमाज पढ़ी, लंबा रुकू किया, लंबा सजदा किया। ये शबे बरात के सिलसिले में और शाबान की 15वीं रात के सिलसिले में ये एक रिवायत है। और एक रिवायत में आया है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला पूरे साल जितने लोगों को जन्म लेना है, पैदा होना है, उसकी लिस्ट अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देता है। जितने लोगों को जो जो खाना मिलेगा, रिस्क की लिस्ट अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले कर देता है। पूरे साल में जितने लोग इस दुनिया से मरकर चले जाएंगे, तमाम मरने वालों की लिस्ट अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देता है। गोया के ये रात अल्लाह ताला ने जिंदगी, बल्कि जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक क्या क्या होगा सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया है, लेकिन एक साल की किस्मत और एक साल की तकदीर और एक साल तक होने वाले सारे काम अल्लाह ताला शबे बरात में लिस्ट से अलग करके और फरिश्तों के हवाले कर देता है। ये रिवायत में आया है, हदीस के अंदर आया है। इन रिवायतों को देखने से ये पता चलता है और इन रिवायतों को पढ़ने से ये मालूम होता है कि शबे बरात ये कोई खास और मखसूस इबादत की रात नहीं। ऐसा नहीं कि हमने चार रकात नमाज पढ़नी है, उसमें फला 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 सूरत पढ़नी है, इतनी रकात तहज्जुद पढ़नी ही है और इस तरह से ये अमल करना ही है, बल्कि ये बिल्कुल इबादत की रात है, लेकिन दिल में जो इबादत तकाजा, जिस इबादत का दाइया जज्बा और शौक पैदा हो जाए वो इबादत कर लिया जाए। कुछ देर नमाजें पढ़ ली, कुछ देर तिलावत कर लिया, कुछ देर दुआ दुरूद कर लिया, और उसके बाद अल्लाह अगर तौफीक दे, आप हजरात के यहाँ तो कब्रिस्तान बिल्कुल करीब में है, आते जाते हमने और आपने मुर्दों के लिए दुआ दुरूद कर लिया, ये भी कोई जरूरी नहीं है। याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है। शबे बरात में मगरिब की नमाज जमात से पढ़ने का इंतजाम किया जाए, ऐशा की नमाज भी जमात से पढ़ने का इंतजाम कीजिए, और फजर की नमाज भी मस्जिद में आकर जमात से पढ़ने का इंतजाम कीजिए, और पूरी रात अल्लाह ताला अगर तौफीक दे, जितनी तौफीक मिल जाए उतनी देर तक हम और आप अल्लाह की इबादत करें। गप शप में, टीवी देखने में, न्यूज देखने में, वोट और इलेक्शन का जमाना है, इलेक्शन की खबर वगैरह लेने में कम से कम उस रात को इन फालतू कामों में ना गुजारें, नेकी के काम में उस रात को गुजारा जाए। एक रिवायत में जो इंतहाई कमजोर रिवायत है, बहुत ही ज्यादा कमजोर रिवायत है, उसमें यह भी आया है कि 15वीं रात के बाद वाला जो दिन होगा, यानी शाबान की जो 15 तारीख होगी, इंसाल हमारे और आपके यहाँ सोमवार का जो दिन होगा, उस दिन में रोजा रखना चाहिए। लेकिन याद रखिए, शाबान की 15 तारीख को रोजा रखना ये कोई सुन्नत नहीं है, ये कोई मुस्तहब नहीं है। ये सोचकर अगर कोई रोजा रख लेता है कि शाबान का पूरा महीना ही रोजा रखने का महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से बहुत ज्यादा रोजा रखा करते थे, इसी तरह से हर महीने के 13, 14 और 15 तारीख को अय्यामे 20 कहा जाता है और अय्यामे 20 में रोजा रखना सवाब का काम है, ये सोचकर 15 शाबान को अगर रोजा रख लेता है
जरूर भी जरूर सवाब मिलेगा, लेकिन कोई वाजिब फर्ज या सुन्नत या मुस्तहब नहीं है। अगर किसी ने रखा सवाब मिलेगा, नहीं रखा कोई गुनाह नहीं होगा। ये दो तीन काम शबे बरात के बारे में है। बाकी हमारे कुछ लोग हैं, कुछ भाई हैं, खास तौर पे जिनका ताल्लुक थोड़ा सा वो जिसको बंबई की जबान में लड्डू भाई कहते हैं, बिदती लोग जिनको कहा जाता है, उनके यहाँ पटाखा छोड़ना, हलवा बनाना और ये करना और वो करना, अल्लाह का करम है कि हमारा और आपका समाज इन चीजों से पाक है और हम और आप करते भी नहीं, हमारी माँ बहनें इस तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता, अल्लाह ने बचा कर रखा है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला उन सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। शाबान की 15 तारीख को अल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मगफिरत फरमाता है, लेकिन एक रिवायत में आया है कुछ खास किस्म के लोग ऐसे हैं कि शाबान की 15 तारीख को भी यानी 15वीं रात में भी अल्लाह ताला उन लोगों को माफ नहीं करता। उनमें से एक मुदमिनुल खमर यानी शराब पीने वाला, शराब पीने की आदत रखने वाला। शराब पीने का क्या नुकसान है, 2 हफ्ता पहले मैंने तफसील से बयान कर दिया था। अल्लाह ताला हमारे पूरे समाज को शराब से, ड्रिंक वगैरह से बचा कर रखे। दूसरा वो आदमी है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला शबे बरात में दुआएं मांगता रहेगा, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल नहीं करेगा, उनको माफ नहीं करेगा, इल्ला ये के वो अपने गुनाह की तौबा करे। यानी ऐ अल्लाह, अब आज के बाद हम माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। इसलिए जो हजरात भी अपने माँ बाप से लाताल्लुक है, इन्होंने अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दिया है, बातचीत बंद कर दिया है, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा कर दिया है, अल्लाह के वास्ते आज जुमे का दिन है, 2 दिन के बाद शबे बरात है, शबे बरात से पहले आज ही और इसी वक्त तौबा कीजिए, अपने माँ बाप के सामने जाकर माफी मांगिए, अपने माँ बाप को खुश कीजिए, फिर हम और आप दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी और आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तीसरा वो आदमी जिनकी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है या जिनको माफ नहीं करता है, वो है कातिउ रहम यानी रिश्ता को तोड़ने वाला। 2 भाई में झगड़ा हो गया, दोनों ने आपस में बातचीत बंद कर दिया। चचा भतीजा में झगड़ा हो गया किसी प्रॉपर्टी को लेकर या कुछ भी कोई भी सामान या कोई चीज के को लेकर, अब थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ी सी लड़ाई हुई और उसके बाद रिश्ता नाता बिल्कुल खत्म कर लिया है। जो कातिउ रहीम है यानी रिश्ते को तोड़ने वाला है, रिश्ते को खत्म करने वाला है, कितनी भी वो दुआ कर लेगा अल्लाह उनकी दुआ को भी कबूल नहीं करेगा। लिहाजा उन लोगों को जिसके साथ भी झगड़ा हुआ है, मैंने कभी एक रिवायत तफसील से बतलाई थी, गज़वे तबूक के मौके पर बहुत मुश्किल वाला गज़वा था, चंदा भी हुआ, सब कुछ हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आखिरी वक्त है, दुआ कर लेते हैं, अल्लाह के यहाँ से तबरुक करवा लेते हैं, लड़ाई में जंग में कामयाबी मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने से पहले कहा कि मैं दुआ करूंगा, फरिश्ते और तुम लोग आमीन कहोगे, अल्लाह दुआ कबूल करेगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि हमारे मजमे में, यहाँ हमारी मजलिस में अगर किसी के दिल में कोई नफरत जीना है और किसी से लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को या ताल्लुक को खत्म कर दिया है, तो पहले वो अपने कीना को और अपनी अदावत को, दुश्मनी को खत्म करे, तौबा करे, मेल मोहब्बत कर ले, उसके बाद दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा था, एक कोने से एक सहाबी खड़े हुए, एक कोने से और एक सहाबी खड़े हुए, कुछ दूर में गए और जाकर दोनों ने हाथ मिलाया। दोनों में से हर एक ने कहा, भाई मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर दो। दूसरे ने कहा, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, गलती तो मेरी थी, मुझको माफ कर दो। दोनों ने अपनी दुश्मनी को, अदावत को, नफरत को खत्म किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, आपने दुआ की, अल्लाह ने 100% उस दुआ को कबूल कर दिया।
लिहाजा हमारा और आपका अगर कीना कीना रखने वाले को भी अल्लाह माफ नहीं करता है, अगर नफरत गिरना किसी वजह से हो गया है, तो हम इन सब चीजों को खत्म करके और परसों रात में खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा इबादत का इंतजाम करें। गपबाजी, गीबत करना, चुगली करना, टीवी देखना, इन सब कामों में मशगूल नहीं होना है। अल्लाह की इबादत करनी है, लेने की रात है, हमको और आपको झोली फैलाकर और खूब खूब अल्लाह से दुआएं करके मांग मांग कर लेना है, सब कुछ मांगना है। कारोबार के लिए भी दुआ कीजिए, अपनी तरक्की के लिए, देश के अंदर अमन सुकून शांति के लिए, कोरोना बीमारी के खत्म होने के लिए हर तरह की दुआ। यहां तक के रिवायत में आया है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे सेंटिंग का फीता टूट जाए, तस्मा अगर टूट जाए, वो भी तुम अल्लाह से मांगो। अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा। अल्लाह से मांगने का तरीका, अल्लाह से मांगने की आदत हम अपनी बना लें और हर बात अल्लाह के सामने पेश कर दें। अल्लाह ताला हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और खास तौर पे परसों जो रात आने वाली है, इतवार गुजार कर जो रात आएगी, शबे बारात है, वो बराहत की रात है, जहन्नम से नजात की रात है। हम अपने लिए भी नजात मांगेंगे, अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, तमाम रिश्तेदारों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो इस दुनिया से जा चुकी है, अल्लाह के पास पहुंच चुकी है, उन तमाम की मगफिरत और नजात के लिए दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की सारी बरकतें रहमतें अल्लाह अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।